अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन स्पोर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही साथ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तीन बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तीन बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी, लेकिन वही हुआ कि जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला जो कि कल यानी कि 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा और इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है। साथ ही साथ आपको ये भी आगाह करते चले कि सरफराज अहमद इस टेस्ट मैच से ड्रॉप हो गए और उसकी जगह मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। और इसके अलावा पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में एक स्पिनर के साथ भी मैदान में उतरने जा रहा है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 की बात करें, जो कि आज पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए 12 रुकनी अपनी टीम का ऐलान कर दिया, और पाकिस्तान की इस 12 रुकनी टीम में अब्दुल्ला शफीक, इमाम उलाक जो भी ओपनिंग करेंगे, और एक मरतबा फिर यानी कि अब्दुल्ला शफीक और इमाम उलाक को एक और मौका मिला है कि वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करें और रन बनाएं। इसलिए आज से इस मुकाबले के लिए सैम अयूब जगह बनाने में नाकाम हुए। और इस तरह दोस्तों, अगर नंबर थ्री की बात करें तो नंबर थ्री पे आएंगे शान मसूद जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, और नंबर फोर पर नाम आता है बाबर आजम का। अगर नंबर फाइव की बात करें दोस्तों, नंबर फाइव पर नाम आता है साउद शकील का, और नंबर सिक्स पे नाम आते सरफराज मोहम्मद रिजवान का, जिसको सरफराज अहमद की जगह पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नंबर सेवन पे नाम आते आगस सलमान का, इसके अलावा नंबर एट पे नाम आते साजिद खान का, जिसको फहीम अशरफ की जगह पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है कि पिछले मैच में पाकिस्तान ने बगैर कोई स्पिनर खेला, पाकिस्तान ने वो वाला टेस्ट मुकाबला खेला था, तो इस लिहाज से अच्छी बात है कि इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने एक स्पिनर को शामिल किया। इस लिहाज से आज स्पिन बॉलर साजिद खान इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बात करें तो शहीन शाह आफरीदी भी ये वाला मुकाबला खेलेंगे, और इसके अलावा आमिर जमाल भी ये वाला मुकाबला खेलेंगे और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। जाके आपको पता है कि खुर्रम शहजाद जो कि सीरीज से भी बाहर हो चुके, और खुर्रम शहजाद अब आपको पता है ये वाला मुकाबला नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही यानी कि टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं इंजरी की वजह से। अब उसकी जगह दोस्तों दो नाम सामने आ चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान ने जो 12 रुकनी टीम का ऐलान किया है उसमें मीर हमजा और इसके अलावा हसन अली दोनों शामिल हैं। इस लिहाज से अब मीर हमजा और हसन अली दोनों में से किसी एक को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल मीर हमजा को मौका मिलेगा इस मेलबर्न टेस्ट के लिए। लेकिन यह भी हो सकता है कि शायद हसन अली खेले और मीर हमजा को मौका ना मिले, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की ये वाली यानी कि 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है, और पाकिस्तान की इस 12 रुकनी टीम में तीन बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, जिनमें आपको बता दें कि सरफराज की जगह रिजवान आ गए, फहीम अशरफ की जगह साजिद खान आ गए, जबकि खुर्रम शहजाद की जगह हसन अली या फिर मीर हमजा इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन दोस्तों, अब आप ख्याल में ये वाला मुकाबला पाकिस्तान जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए हुसैन स्पोर्ट्स।